Dai, a calore. नक्काश देखिएगा बताइए वो चीज़ ये आपको टाइम लेते हैं घर में नहीं आता क्या चीज़ नहीं टाइम लेता है कोई दिक्कत नहीं पहली बात तो हम मुल्क के वासियों से और ख़ास तौर पे अपने ज़िला बेगूसराय के वासियों से ये रिक्वेस्ट और गुजारिश करेंगे कि ये महामारी बहुत ही ख़तरनाक है और इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पे स्वास्थ्य विभाग के ज़रिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है सोशल डिस्टेंस के सिलसिले में उसकी मुकम्मल पासदारी करें, उसकी पैरवी करें, उसका पालन करें और समाजी फासला बनाए रखें, अपने घरों में रहें, खुद भी सुरक्षित रहेंगे, दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सर्दी, खांसी, बुखार या इस तरह का कोई लक्षण नज़र आ रहा है, कोई अलामत पाई जाती है, तो उसको खुद आ करके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अपने को क्वारंटीन कर लेना चाहिए, अपने को अलग थलग कर लेना चाहिए और डॉक्टर के सुझाव के मुताबिक उसको आगे का काम करना चाहिए। भीड़ से खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी है। इस बीमारी से डरना नहीं है, लेकिन इस बीमारी से एक ही बचाव की शक्ल है, वो ये है कि सामाजिक फासला बनाए रखें, लॉकडाउन की मुकम्मल पाबंदी करें। जब तक लॉकडाउन का नियम लागू है इसकी पाबंदी करते रहें, बाद में भी जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती है उस वक्त तक हम मुकम्मल तौर पे जितने भी एहतियाती तदबीर हैं सारे एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें, अपने हाथ को साबुन से धोएं, घर को साफ़ सुथरा रखें, सैनिटाइज़र के ज़रिए सैनिटाइज़ किया जाए, हाथ को सैनिटाइज़ किया जाए और गंदगी को न फैलना दिया जाए। यही मेरा रिक्वेस्ट है मुल्क के तमाम वासियों से कि इसी के ज़रिए और आपस में कोई भेदभाव न किया जाए। जो बीमार है वो हमारे हमदर्दी का मुस्तहिक है और उनके ज़रिए दूसरों तक बीमारी न फैले, इसके लिए समाज को बेदार करने की ज़रूरत है। हम लोग समाज को बेदार करने का काम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू मीडिया में अपील जारी की कि गवर्नमेंट का मुकम्मल साथ दें और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम या उसके जो लोग आते हैं चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, उनको पूरा सम्मान दें और उनके साथ तआवुन करेंगे तो हम लोग इस बीमारी को ख़त्म करने में और इस बीमारी को हराने में कामयाब होंगे। जमायत वालों को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से? मेरा ये कहना है कि बीमारी धर्म, जात या जमात को या ग्रुप को देख करके नहीं आती है। किसी को भी बीमारी लगे लोगों से, चाहे वो जमात से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो, मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आप किसी के रबते में आए हैं, आपके अंदर कोई लक्षण महसूस हो रहा है या आपके बारे में कोई शक व शुबा है, आज खुद फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाएं, आप अपना स्वास्थ्य की जांच करवाएं और डॉक्टर की निगरानी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। डॉक्टर जो आपको हिदायत देते हैं उसके ऊपर अमल करें। अपने आप के अपने लक्षण को, अपनी अलामत को छुपाना ये मौजूदा हालात में बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है। ये आपके लिए भी और आपके समाज के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। घंटा को दबाकर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर हो। अनोखे न्यूज को देखते रहें जगदूत न्यूज।